बलोस जिला छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से एक बलोस जिला के नाम से जाना जाता है। बलोद छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग की ओर बसा है। इस जिले का हेडक्वार्टर बलोस शहर में मौजूद है और बलोस जिला दुर्ग डिवीजन के अंतर्गत आता है। बलोस जिला पहले दुर्ग जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय पे देखा जाए तो बलोद को दुर्ग से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। साल 2012 में दुर्ग जिले के कुछ हिस्से को लेकर बलोद जिला का गठन किया गया था। वैसे जिले का गठन 1 जनवरी साल 2012 में दुर्ग जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। साल 2012 से पहले बलोद और दुर्ग दोनों एक ही जिला हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के बलोद जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बलोद जिला के वासी है, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। बलोद जिला खारून नदी के हिस्से में बसा भारत की राजधानी दिल्ली शहर के दक्षिण पूर्व भाग की ओर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के पश्चिम भाग की ओर बसा एक शांतिपूर्ण स्थानों के लिए जाना जाता है। बलोद जिले की संस्कृति यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इन जगहों पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मों का मुख्य रूप से निवासी है। वैसे इन जगहों पर हिंदू धर्मों की सबसे ज्यादा आबादी है और यहाँ का इतिहास पूरी तरह से दुर्ग जिला से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बलोद 8 वर्ष पहले दुर्ग जिले का हिस्सा हुआ करता था। बलोद जिला का गठन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कर कमलों द्वारा 1 जनवरी साल 2012 में किया गया था। छत्तीसगढ़ का बलोद 4 पड़ोसी जिलों के साथ आपस में घिरा हुआ है, जिस वजह से बलोद जिला के उत्तर से पूर्व भाग की ओर छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला, पूर्व से दक्षिण भाग की ओर छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला, दक्षिण भाग की ओर छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर भाग की ओर छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला से घिरा हुआ है। यहाँ के मुख्य नदी का नाम खारून नदी है। खारून नदी के हिस्से में बसा यह जिला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 95 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बलोद जिला पे 3 सब डिवीजन, 5 तहसील, 5 ब्लॉक, 1 लोकसभा जो कांकेर लोकसभा के अंतर्गत आता है, 3 विधानसभा, 17 पुलिस स्टेशन, 6 लोक सेवा केंद्र, 1 जिला अस्पताल, 6 सामुदायिक अस्पताल, 30 प्राथमिक अस्पताल, 199 हेल्थ सब सेंटर, 1 जिला कोर्ट, 2 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायत, 421 ग्राम पंचायतें, 8 शहर और 704 गाँव में पटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 3527 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। बलोद जिला पे रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 1,73,000 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी और हिंदी है। आबादी की बात करें तो बलोद जिला जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का 13वां सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का 9वां सबसे छोटा जिला है। बलोद का अभी मौजूदा समय पे यानी कि 2020 की कुल आबादी 9,49,000 के करीब है। वैसे साल 2011 की जनगणना के अनुसार बलोद जिला की कुल आबादी 8,26,000 के करीब है, जिसमें की पुरुष की आबादी 4,04,000 है और महिला की आबादी 4,22,000 है। यहाँ का औसत लिंग अनुपात 1,022 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 1,022 महिला है। इस जिले पे हिंदू धर्म की आबादी 7,60,000 है, लगभग 92% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 25,000 है, लगभग 3% के करीब है।
शिक्षा की बात करें तो इस जिले पे कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से बलोच जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जिले की साक्षरता दर 69% के करीब है। बलोच जिला के 8,26,000 की आबादी पे 5,70,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 3,15,000 पढ़े लिखे हैं लगभग 78% के करीब, और महिला 2,55,000 पढ़ी लिखी है लगभग 60% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो बलोच जिला के आबादी के अनुसार इस जिले पे 3,70,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 3,70,000 वर्कर पे सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले पे काम करने वाले वर्कर यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 45% के करीब है। वैसे बलोच की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। खारून नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका 20% का इलाका काफी उपजाऊ है। बलोच जिला में इनकम का मुख्य साधन खास तौर पर खेती के फसलों द्वारा भी किया जाता है, जिस वजह से इस जिले का प्रति व्यक्ति सालाना इनकम 30,000 के करीब है। बलोच जिला के 3527 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र 700 वर्ग किलोमीटर लगभग 1,74,000 एकड़ पे खेती का कुल पैदावार किया जाता है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, चना और गन्ना यहाँ के मुख्य फसल है। इसके अलावा इन जगहों पर कई सारे शोरूम, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और कई सारे छोटे छोटे व्यवसाय भी स्थित है। इसके माध्यम से आसपास के लोगों को और बलोच जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले पे कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का बलोच खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। बलोच जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार गंगा मैया मंदिर, सिया देवी मंदिर, जलेश्वर महादेव, शीतला माता मंदिर, चंडी माता मंदिर, कपिलेश्वर, तंदुला डैम और बलोच जिला के कोकन वाटरफॉल जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। बलोच सड़क और रेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 30 गुजरती है। यह जिला बस, टैक्सी और टेम्पो के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। बलोच जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बलोच रेलवे स्टेशन है, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के रायपुर रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। बलोच रेलवे स्टेशन से रोजाना रायपुर के लिए एक ट्रेन और बलोच से दुर्ग के लिए रोजाना दो ट्रेनें सर्विस प्रदान करती है।